हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुप्रभात भैया, उम्मीद करी थे आप सब बढ़िया हुई हैं। आज 3 दिन के बाद यार, 3 दिन की छुट्टी के बाद जो है, आज मंडे है और जाए ऑफिस, एकदम अच्छा ना लगा। और गर्म देखा भैया, मॉर्निंग हमारे होते गर्म पानी से। सो भैया पेपर आ गया है, ये देखिए अब। लेकिन पेपर पढ़े का समय ना, आज का ऐसे है। तानो देर ना करो, लाओ बच्चे, लाओ अपना स्टार्ट करने अपना समय। या देखा कितना बर्तन तुम गंदा करती हो सानू। अच्छा है, लेकिन हाँ एक चीज होता है ना कि कुछ लोग कम बर्तन गंदा करते हैं भैया, ये इंसानों बहुत गंदा कराती है। कुछ नहीं तक पागल नहीं की। चाय बन रही है, चाय जल्दी दे दे। हमारे सानू की राय से ये सब बढ़िया बढ़िया, एकदम नाश्ता वास्ता अपने सभी समय मिल जाते ना। नौकरी करें बड़ी टेंशन हो जाती है। रीजन ये है कि यार तुम खाना बनाओगे, नाश्ता बनाओगे, या फिर ऑफिस के लिए सही समय जाओगी। और अब तो जानते हैं भैया, सरकारी नौकरी में इतनी सख्ती है, मतलब कि सख्ती इन द सेंस कि लखनऊ में अगर आपकी नौकरी बात तो लखनऊ में सख्ती रहे हर तरीके से, कोनो भी चाहे तो कोनो विभाग में। हाँ, नमकीन नमकीन नहीं, बस नॉर्मल। आज चूँकि भी ऑफिस जाना रहता है तो अभी हमको करना पड़ेगा, एक आध पराठा खाएंगे तो इसलिए फिर सिर्फ चाय से ही काम चलाते हैं ये। सो भैया ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ धीरे धीरे, और स्नान कर लिया हूँ, थोड़ा सा नाश्ता, पहले पूजा करूँगा फिर नाश्ता, उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। सानू बना रही है नाश्ता तो। हाँ पूजा हम जा रहे हैं करने। हाँ तो करते हैं पूजा, फिर करते हैं नाश्ता, निकली तो ऑफिस, समय भी हो गया है। भैया हमारा नाश्ता आएगी बा, नाश्ता करते हैं जल्दी से, चूंकि हम बच गए हैं 9-10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। नाश्ता करी थे बस भैया, नाश्ता में देखा है मैं एकदम सादा भोजन करे वाला व्यक्ति है ही, तो जो है 2 रोटी खा के जाता हूँ। और उसके बाद वहाँ पे दोपहर में लंच पैक रहा था, सानू पैक कर देती, तो दोपहर में वहाँ पराठा वराठा खा लेता हूँ, क्योंकि वो दोपहर में ठंडा हो जाता है, ठंडी रोटी हमें ना पसंद बा। तो ये लिए जो उनका टिफिन इतना बढ़िया लगी आ रही है, जवाब ना बेकार निकले टिफिन दोनों। 1100 का टिफिन लेके आए, ये जो टिफिन ले आए थे इससे वीडियो बनाए थे हम लोग, ये फट गया, वो ढक्कन है, ढक्कन में फट गया पता नहीं कैसे। ओके 1100, पागल झूठ बोल, 280 का था। 1100 रुपए का लेके आए टिफिन, फट गया। 1100, कोई कोई तो उसमें कह रहा है कि 150 का मिलता है ये। 150 के हम हो सके मिले तो हमने उठा के ले सब में, 280 पड़ा था ना। हां और सच्चाई में बता रहे हैं 2 दिन में फट गया पूरा। ओके वो है कितना, बहुत समय हो गया। हाँ 9:15, 10 मिनट हो रहा है समथिंग। हाँ यार ऑफिस में पहुँचना रहता है ना। अरे 10 बजे तक पहुँचना है, आधे घंटे में बहुत जाओगे बैंक यार। अरे वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी एक अच्छी बात ये है, सरकारी नौकरी में सबसे अच्छी बात है यूनिफॉर्म ना पहन के जाए पड़ा। हाँ, सही में। या फिर मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि कैजुअल लुक में ही। अच्छा लेखपाल वालों को पहनना पड़ता है क्या? नहीं लेखपाल प्राची कल कह रही थी है यूनिफॉर्म। हाँ, है यूनिफॉर्म व्हाइट एंड ब्लैक, लेकिन ये है कि उसको पहनना पड़ता है आपको कैजुअल में ही, कि बहुत ज्यादा उन्होंने लागे थोड़ा फॉर्मल लुक रहा है, फॉर्मल लुक रहा है, एकदम फंकी लुक ना रहा। लेकिन ये है कि ठीक रहा था कि बहुत ज्यादा रोका टोका ना होता है ना, कि टी शर्ट पहन के चला जा वो अच्छी बात ना है। टी शर्ट पहनो भी, कॉलर पहनो और इन करो, ई होते हैं बात है। मार बैग कहाँ गए? ए मेरे वाले मिंगल गया है। तो भैया हमारी तैयारी सारी हो गई, का हुए लो अपना देखा एटीएम वापस कर रहे थे ना, कितना में से खाए हो? जितना बोले थे उतना यूज किया है। जितना बोले थे, अभी चेक करा बेका। कहाँ यूज किए हैं यार? चेक करेंगे, मैसेज टिक टिक आता है। हाँ टिक टिक मैसेज कई बार आया बना, वो का चेक ना की कई बार मैसेज हुआ बाजवा, और परसियों का नहीं कहा बहमान ना दिखा बा तू ना ले ठीक बा, पागल हूँ तू? हम नहीं पागल है। हाँ जो इलाज करता है दवा नहीं जानता वो पागल है, मरीज के साथ खिलवाड़ करता। चलो भैया हम जा रहे हैं ऑफिस, अब मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर बाद। ओके और सानू बच्ची अकेले आराम से रहो ठीक बा।
हाँ कूदना चाहिए कि नीचे गुस्सा गुस्सा कोनो बात से गुस्सा आ रहा तो कूद जा नीचे हाँ इतना बढ़िया मौसम है लेकिन इस अच्छे मौसम का कोई मतलब नहीं है। ये है रियलिटी भैया जीवन का। सुबह निकला शाम का हुआ एक दूध कुछ सब्जियों के साथ सबका लागा देखो मजा हो खूब मजा हो। सुबह गए टाइम आओ थे 7 बजे थे कम से कम 7:30 हो सोचो काम धाम मेहनत डाल क्या की पूरे दिन बहुत काम किए हैं क्या करी हो पूरा तुम्हारा वार्डरोब सही किए हैं कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखे और कुछ कपड़े भिगोने थे भिगोए पढ़ाई भी आज कर लो पढ़ाई क्या पढ़ाई करी हो अरे किए बताओ किया उसमें मतलब देख रहे थे कैसे क्या फिर से शुरू करें थोड़ा सा तो सानू भैया काफी टाइम से पढ़ाई छोड़ दे रहे इनके तबीयत ना सही रहा ना अब पढ़ाई शुरू करो थे ये इनके एग्जाम भी हो सका तो ही जाए ना जल्दी काहे 3 दिन बाद गए थे तभी 3 दिन आराम किए खूब बिस्तर पड़े पड़े और सोचो हम 3 दिन बाद आज रूम पे थे सही 3 दिन से डेली मार्केट बढ़िया मार्केट करा खूब अच्छे से भैया सबसे सुकून का समय यही होता है आप बाहर से आओ आराम से ऑफिस से आवा बढ़िया थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हुई के आराम से चाय पिया और इस मौसम का लुत्फ़ उठाओ जो अब मौसम हो रहा है धीरे धीरे। और ये देखिए भैंस मेरी चाय लेकर चली कहते हो मैं कुछ और सुनाई देती तुम्हें भैंस सुनाई देता है आप क्यों लाल है वो वाली मेरी देखो जरा मेरी आंख लाल है क्या दूसरी बात और है सानू फिर ये सब काम तुमको नहीं करना पड़ेगा कौन करेगा हैं कौन करेगा अरे भाभी आएंगी तुम्हारी वो करेंगी अच्छा है कि नहीं तू है बढ़िया एकदम ठाट से बैठू कह दू ये करो वो करो हाँ तुमको छूट दे देंगे इतना बस करो काहे नहीं करेगी क्या हमें अपना है नाश्ते में है चना वैसे ये खा लेंगे सानू ज्यादा हो जाएगा बच्ची सच्चाई अरे ज्यादा हाँ ज्यादा थोड़ा ना, निकालो अरे हम नहीं खाएंगे अभी चलो खा लेंगे गवारो ये हरकत मत किया करो तुम जब डकारा है तो डकारा इसको एडिट मार देना प्लीज नहीं हम नहीं मारेंगे एडिट यार बताओ इसमें क्या बात है जब डकारा है कि डकारोगे नहीं क्या करोगे अगर नोचू हो मारू बच्ची तो फेंक देंगे नीचे तुमको हम क्या माना करें कोई बात नहीं मानती बस एक डकार इनको बहुत बुरी लगती है हरदम बोल नौकरी होती रही तो फिर देखा इनके इनके फिर मैं बात कर रही हूँ क्यों हाँ क्या तो अच्छी खासी इसकी सैलरी रहती है हाँ। एक मंथ की भी सैलरी ना लगती यार हाँ। जो जो चाहते हैं सब ले लेते गड़बड़झाला से इन्हें अमीनाबाद के गड़बड़झाला कोनो मार्केट है बहुत पसंद आया बा ऐसा नहीं जैसे हाँ। दो चीजें होती हैं एक क्या? होती है आपको किस चीज की आवश्यकता है हाँ। एक चीज होती है आप चाहते क्या है आवश्यकता हाँ। वाली चीज मेरे पास सब है जो हाँ। चाहिए लेकिन इसे जॉब जब करो हाँ। जो तुम चाहते हो वो तुम कर सकते हो मेरा ये कहने का मतलब है हाँ। और शादी मेरा बड़ा शौक था कि मेरी नौकरी रहे अभी तो तुम शादी तक हो भी सकती है ये बात है भैया इनका एक चीज खाया जाता हुआ है नौकरी ठीक है मान ले सानू तुम्हारी नौकरी लग गई सपोज करो नौकरी लगी तुम अपनी पहली सैलरी का कर वो बताओ है? हम? हाँ। हमको अब सैलरी की चिंता ही नहीं भैया हमको अब नहीं चाहिए सैलरी अब नौकरी बस लग जाए बस अच्छा अब इतनी कार्य करोगी क्या नहीं ऐसा तो? नहीं है हर किसी को जरूरत होती है पहले क्या करेंगे हाँ करेंगे ऐसे हमरो रहा भैया जब हमारी नौकरी ना लाग रही थी समझ में आ रहा कि
कि एक बार नौकरी लाग जाए बस, चाहे वेतन ना मिले बस नौकरी ठप्पा लाग जाए, नौकरी लाग जाए। और देखो अब तो ये हाल है कसम से, जैसे आपसे तुमसे कोई पूछा हाँ। कि क्या हुआ, पढ़ाई कैसे चल रही है, चलो उसको तुमने बता दिया, उसको तुमने उत्तर ऐसा दे दिया कि अगला बंदा तुमसे कन्विंस हो गया कि हाँ पढ़ रही, अपने आप को तुम क्या समझाओगी, समस्या ये है। बात तो सही बात है, नहीं होनी चाहिए, नहीं भाई इतना दस सोचना नहीं चाहिए। तो बता रहा हूँ खैर कि सबका इलाका था ना, नौकरी लाग जाए हमार, चाहे पैसा सैलरी कम मिले या का हो कैसे, हम सोच रहे पहली भाई सैलरी मिले तो ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे गरीबों को खिला दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। खैर अपने हिसाब से परोपकार कर देता हूँ, लेकिन मतलब बताओ थी अब मतलब एक एक महीने की सैलरी पर डिपेंडेंसी हो जाते सबके, नौकरी लागे के बाद ही दशा रहता है। अब वो दशा अभी सोचो क्या है, एक साल हो गया नौकरी करते हुए, 12 अक्टूबर के हमारी ज्वाइनिंग है रही है, और हो सकता है ऐसा भी था कि भाई की नौकरी ना लगती तब भी जीवन चलता होता, लेकिन अब ऐसा हो कि अब लागत बा कि नौकरी ना हो तब का हो। और सानू तो भैया बढ़िया सैलरी मिले, हायर एजुकेशन में तो अच्छी सैलरी भैया, एजुकेशन में तो प्राइमरी में तो इतना अच्छा सैलरी बा, तो हायर एजुकेशन में और बाकी मतलब ऐसे सामान्य स्तर में तो बढ़िया सैलरी है कि नहीं, ऐसा करो तू हम दे दू कुछ पैसा सानू है? तो अब अकाउंट अपना भी कराना ना मेरा वाला। अरे क्यों ना करत, जो क्यों सरकारी नौकरी केहू के नौकरी में उसके उसी के नाम पे खुलता है पागल। अच्छा। सैलरी अकाउंट जो होती है तो सैलरी अकाउंट तो तुहरे नाम पे खुले भैया, देखा देखा थे यार हमारे नाम पे सैलरी अकाउंट खुल भैया। जा रहा हूँ भैया पानी लेने, नीचे आया है एक दिन एक का बोतल चढ़ाओ तो नहीं सानू गिरी भड्डे से नीचे, फूट गया था मुड़वा, फूटी गिरा ना ये, यहाँ चश्मा जहाँ लगाते हैं, भले पाए भले पाए रहो। देखना है विकास भैया इसे दो दो उठा के फेंक देते हैं कहते बड़का बहन विकास ये टुना उठा पावे सही में, बर्तन धुल डालो उसके साथ साथ। अरे जाओ जाओ इसे मैं छोड़ दिया हूँ ना, ध्यान देना। अच्छा पहले जिम में जाते थे क्या? और क्या पहले जिम नहीं जाते थे? ही कह रहे हैं फोन चलाना, आईफोन आईफोन चलाना एक्चुअली किसी बात को लेकर के बच्ची, बस कल उसको हम सही करा देंगे, तुम परेशान बिल्कुल मत हो ठीक है ओके। गुस्से में ओके कैसे बोला जाता है? सही में पिट। अरे नहीं यार भाई मेरे टैप से पता नहीं पानी साला गिर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं, इसको कल सही करा देंगे, एक सही करा दे। देखा सानू भैया काटा थी वो जो ना है सलाद बनाओ थी जल्द से जल्द, बता चुकंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चुकंदर को इंग्लिश में चुकंदर। और बच्चों खीरा को कहते खीरा, कहते कि नहीं कहते बताओ, कटहल को क्या कहते हैं इंग्लिश में बताओ? कटहल ओके, पराठा को पराठा बोलते पराठा ओके, सो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश एक्चुअली। बस करी ठीक भैया, चल रहे खाना खाने, आज आपको लग ही रहा होगा ऑफिस जोने दिन जाए थे समझ में आ जाते कि आज ऑफिस गए रहे हैं ना सर। एक पढ़ी लिखी वाली बात बोला तुम, कब का तू सानू बता दो। डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया। क्या होता है ट्रेकोमा? ट्रेकोमा होता है कि आंख का अंधापन होता है, मतलब लास्ट से जब कई चीजें होती हैं इसके बाद जब ट्रेकोमा तो डैमेज दिखाई देना बंद हो जाता है। क्या बोलियो? तकिया मोड़ के ऐसे करके सोने क्या मतलब है, खराब हो जाती है। अम्मा इतनी बार कहती है, अम्मा का होगा थी तकिया मोड़ के नहीं सोते हैं, काहे ना सोते हैं, उससे गले में भी प्रॉब्लम होता है और तकिया भी खराब होती है। तुम्हें जो गले में तो हो ही जाए लेकिन तुम्हारा तकिया ना खराब हो ही ज्यादा मैंडेट। तो भैया हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए,
तो उसके पहले आप सबका धन्यवाद कर देते हैं इस वजह से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। हाँ। तीन ब्लॉग पे यार बहुत बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं, अच्छे सपोर्ट आते हैं आप लोग के। धीरे धीरे हम लोग ब्लॉग को और रोचक बनाते जाएंगे, तो आप लोग सब जुड़े रहिए। शादी सगाई एवरीथिंग सब कुछ आपको दिखाएंगे, सब मस्त एकदम से, ठीक है। तो कुल मिला के आप सब अपन आशीर्वाद प्रेम स्नेह से बनाए रख जा, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे बहन? धन्यवाद बहन मेरी, बहुत थक गई है आज, बीमार है थोड़ा सा। नहीं कहाँ बीमार है, तुम मार बिना मारे नहीं बता सकती थी। बीमार तो ठीक है भैया, सब फिर मिलते हैं अगले दिन। गुड नाइट, लव यू। अच्छा लव यू।